चलिए दोस्तों, आज जो दिखाने वाला है ये जो ड्रैगन खेती का, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि ड्रैगन फ्रूट का खेती कैसे करें और कब उसका सीजन है, कितना फ्रूटिंग आता है उसमें, हम दिखाते हैं खेती में। जो हमारे इधर का एक फार्म है, इसका ये छोटे वाला लगा है, इसको भी मदर के लिए लगा है, इसको अपना प्लांट सेल करने के लिए हम दिखाते हैं इसको, इसको पूछते हैं, चलिए देखते हैं। ये आपका ये खेती का कितना उम्र है इस खेती का? अच्छा, इसमें फ्रूट आने का टाइम कैसे होता है? वो फिक्स, अगर आप तदारकी कर सकते हैं हाँ। तो एक साल में आपको फल मिलेगा। एक साल में फल मिलेगा। इसमें अभी फल आया हुआ है क्या, देख सकते हैं? एक फल भी हाँ, अभी आया है थोड़ा। अच्छा अच्छा, इसको फल जो आता है ऐसे आता है ना, ये पत्ता का बीज से आता है? पहले पत्ते के बीज से निकालते हैं, फिर बाद में ये धीरे धीरे डेवलप होता है। अच्छा अच्छा, इसको रोपने का सही टाइम कब है? मतलब एक जो फार्मर है वो अपना खेती में कब बैठेंगे तो तभी अच्छी से फ्रूटिंग मिलेगा इसको? कभी कभी भी बैठ सकते, मतलब इसको ऐसे कोई सीजन वगैरह नहीं है? कोई सीजन नहीं, बैठने का टाइम नहीं है। एक सीजन लगता है, वो एक साल लगता है। अच्छा अच्छा, फल फल आने के लिए एक साल टाइम लगता है। अच्छा, तो एक जो झड़ है, ये जो इधर जो झड़ है, एक जो कलम है, इसमें लगभग कितना फ्रूट आ जाता है? ठीक से सही से उसको देखभाल किया जाए तो जैसे कि कम से कम आपको आराम से 20-50 फल आ जाएगा। 50 किलो तक इसमें फ्रूट आ जाएंगे। अच्छा, ये जो एक कलम का बीज में आप देख सकते हो दर्शकों को, इधर 5 प्लांट लगा हुआ है झाड़ में, इधर छोटा छोटा। अच्छा, इसको जो ऐसे बांधना पड़ा, कि बांधना जरूरी है क्या इसको? हाँ, रस्सी से बांधना जरूरी है। अच्छा अच्छा, बांधना नहीं तो गिर जाएंगे ना? अच्छा अच्छा, प्लांट जो है ना ये बहुत भारी है। अच्छा अच्छा, वेट है इसमें, सीमेंट का जो ये है ये लगाना पड़ता है। अच्छा, ये सीमेंट का है तो दूसरे जगह में दिखता है टायर वगैरह के देता है उसको? देते हैं, लेकिन इसमें उतना अच्छा नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये कितना साल रह जाता है प्लांट? कम से कम 4-5 साल रहता है। 4-5 साल। अच्छा अच्छा, ये जो खेती आप कर रहे हो तो इसमें आपका मुनाफा आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। अच्छा अच्छा, फायदेमंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, डिमांड भी हो चुका है अभी, डिमांड भी है मार्केट में इसमें। तो कितना रुपए मतलब ये मार्केट में सेल हो जाता है? जब आया था तो कम से कम 500-600 रुपए किलो बिकता है। अच्छा, लेकिन अभी क्या है इसका ये थोड़ा बहुत जगह के लगाया अभी भाव थोड़ा कम गया, लेकिन अभी तक भी 200 रुपए किलो आराम से। अच्छा अच्छा, तो फार्मर को उतना रुपए मिल जाएगा। अच्छा, ये जो ड्रैगन का आप देख सकते हो, ये जो पत्ता है इसको, एक जो पत्ता है, इस पत्ते का बीज से फ्रूट निकलता है, आप देख सकते हो इधर से भी निकल रहा है, छोटा छोटा फ्रूट है ना। अब अगर हम खेती का अंदर जाता है तो आप देख सकते हो खेती का अंदर भी अभी फ्रूटिंग बहुत अच्छी से चालू हो गया है। अभी इसका फिलहाल सीजन हो रहा है, बोल रहे हैं कि इसका भी सीजन है ना, आप देख सकते हो इधर, इसमें कट्टा भी है, चुटका भी है। ये आप देखिए कि जो एक प्लांट है इसका पास से देखिए, आप देख पाओगे कि कितना पास एकदम पास फ्रूट निकला है इसका एकदम। और इसका जो फ्रूट है ये वाला, ये बहुत मतलब अगर सही से ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो इसका बहुत अच्छे से फ्रूट निकलता है। आप देखेंगे जो हर जो प्लांट है उसको अंदर से निकला है। और आप देख सकते हो इसको, जो ये मैंने जो बताता कि जो आपको पहले इसको सीमेंट से जमाना पड़ता है, फिर उसको ऐसे करके यहाँ से जो नट वगैरह से इसको लगाना पड़ता है, इसको ऐसे फिर सेटअप करना पड़ता है, आप देख सकते हो। और जब ये थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता है तो उसको रस्सी से बांध देना पड़ता है ना। अब मैं दिखाएंगे आपको, ये जो इधर 2-3 वैरायटी का शायद ये है, ये ड्रैगन का फ्रूट है खेती में, आप चाहो तो इसको लगा के अपना मुनाफा कर सकते हो, ठीक है ना।